ट्रैक्टर के नोट हैं, स्टार वाले नोट हैं, 786 वाले नोट हैं। 786 में किस तरीके के हैं? अभी आपको 1,50,00,000 रुपए आ रहे हैं। लालच की इसमें अगर एस जगन्नाथन होता तो उसके पैसे हमको अच्छे मिलते। अगर अशोक स्तंभ जो होता है ना ट्रैक्टर वाला, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 96 का होगा तो इसकी कीमत है 5,000 से 7,000 रुपये। लोहानी हूँ जनाब। हाँ। आपके हर पे लिखता हूँ फेक है जी। यहाँ आके मैंने आज देखा है, जैसे ये शेर का है। हाँ। वहाँ नहीं, पे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए, आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय लोहानी हूँ, दिल्ली से हूँ जी, और ये कलेक्शन करता हूँ नोट 500 वाले। हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। हाँ। क्या क्या कलेक्शन किया है अभी तक आपने? मेरे पास हर तरह के नोट हैं, ट्रैक्टर के नोट हैं, स्टार वाले नोट हैं, 786 वाले नोट हैं। 786 में किस तरीके के हैं? 500 के हैं, 10 के हैं। नंबर है, पूरा नंबर बताइए आप मुझे। पूरा नंबर पीछे तो कुछ भी है, 786। तो ये किसने कहा आपको कि बिकते हैं? पहले तो सब में आता था, बाकायदा पेपर में भी आता था, आपके फेसबुक पे भी आता था। मेरा फेसबुक नहीं है, मैं राजज्ञानी हूँ और द करेंसीपीडिया। राजज्ञानी है, ठीक है, लेकिन आपका फोटो लगा के भी फ्रॉड वाले भेज रहे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी के फोटो लगा के कोई बोल दे कि मैं सिक्का खरीद रहा हूँ, या मुकेश अंबानी का फोटो लगा हुआ है, सलमान खान का फोटो लगा है, ऐश्वर्या राय और सबके लगे हुए मैंने देखे हैं, है ना। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ये सिक्का इंदिरा गांधी का मैं 80 लाख में खरीद रहा हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। वो फेक है और उनकी वजह से मैं आया हूँ। लेकिन आपका नाम ऊपर होता है। अरे तो नाम तो नरेंद्र मोदी का होता है ऊपर ना? नहीं, आपका नाम होता है आपके उसमें। आप मेरे को एक भी बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं? जी जनाब, बिल्कुल पढ़े लिखे। असली और नकली में आप समझ सकते हैं फर्क? तो आप बताइए, आपका कोई भी मोबाइल उठा के आप चेयर पे बैठिए आराम से, पानी पीजिए। और अगर अरे पर आपकी गलतफहमी दूर होना जरूरी है। मैंने 2-3 बार पैसे भी दिए हैं, अभी आपको 1,50,00,000 रुपए। लालच की वजह से दिए आपने? मैंने नहीं दिए, फीस वाले जितने भी है सब फ्रॉड है ना फिर। हाँ, तो मैं बोलता रहा हूँ, आपने लालच की वजह से दिए। आप लिखते हैं ये भी चलेगा, आपने ये भी लालच की वजह से दिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने दिए क्या ये खड़े हैं? मैं दिखा दूँ आप में से जो भी खड़े हैं, फोन में से बताइए। फोन दे मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच। एक मिनट जनाब, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे फोटो अगर लगे हैं, आप लोगों का प्यार इतना होता है कि अगर कोई मेरा फोटो लगा दे और लिख दे कि 1 करोड़ में बिक रहा है या 2 करोड़ में बिक रहा है, और उसके बदले में वो अपना कोई फ्रॉड नंबर देता है, आप क्या करते हैं? उस नंबर पे कॉल करते हैं, इंदिरा गांधी का सिक्का 80 लाख में खरीदूंगा। आप में इतनी समझ होना चाहिए ना, जो सिक्का एग्जीबिशन में 50 रुपये का मिल रहा है वो सिक्का 80 लाख में क्यों खरीदेगा कोई? या तो आपकी बेवकूफ़ी, या आपकी नादानी, या फिर आपकी लालच। अब आप समझें कि आप अपने आप को किस लेवल पर रखते हैं। आपको इतनी समझ होना चाहिए कि फ्राड वीडियो और ओरिजिनल वीडियो क्या है। आप आराम से बिल्कुल एक मिनट में बता दो। वीडियो मिलेंगे नहीं? एक तो ये लोग, हाँ, एक्चुअली हर वीडियो में सेव करता हूँ, उड़ गए हैं कई। हाँ। आप एक काम करिए, आराम से सामने बैठिए। एक मिनट, ये देखिए। हाँ। ये हाँ। मैं वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये किसी फ्रॉड व्यक्ति का वीडियो मेरे को दिखा रहे हैं। फ्रॉड नहीं, उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया था। सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, आपको यही समझ। आप मेरे वीडियो देखो, इनकम टैक्स के लिए 7,000 भरो। नहीं लगते, मैं मांग रहा हूँ क्या? आप मेरे वीडियो देखे ही नहीं आपने। मेरा एक वीडियो देखोगे ना, आपके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी देखा है। ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। हाँ, सर ने कई बार बताया कि उसके अंदर ना तो कोई पैसे ही ना कोई पैसा नहीं देना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है, कोई कुछ नहीं करना है। एग्जीबिशन का जब दिया, कोई भी फोटो लगा रहा है मेरी, कोई भी फोटो लगा। आप ही रहे पीछे से, वॉइस चेंज हो रही है। हाँ, थोड़ा आप आराम से स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, आप आए तो खाली हाथ मार जाइए। क्या नाम बताया आपने? लोहानी जी, आप मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाइए। और इसमें मेरा ओरिजिनल नंबर लिखा है 81 ना, 81 नहीं, अरे दूसरा नहीं है, मेरा एक ही नंबर है जो ओरिजिनल नंबर है। बाकी मेरे 15,000 नंबर मार्केट में घूम रहे हैं। हाँ, कितने?
15,000 नंबर है मेरे नाम पे, राजज्ञानी का नंबर, राजज्ञानी का नंबर ऊपर आपका, मेरे नंबर बिक रहे हैं 5,000 में। तो बस आप थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए, इधर देख के, इधर देख के चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है। और ये बोल दीजिए कि मैं फ्रॉड हूँ कि नहीं हूँ। मुझे अभी पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। आपके एक ने तो मेरे से 9,000 रुपए लूटे, हम रास्ते में आ रहे हैं पैसे आपके घर। गलती किसकी, गलती किसकी, मेरी। चलिए सर बेटी, और आपने अपना नंबर भी दिया था कि ये नंबर मेरा लास्ट में, हाँ हाँ हाँ, ये नंबर मेरा है, बाकी सब फेक है। बिल्कुल आपने दिए 77 कुछ क्या दिया। नादानी में हो जाती है गलती, उनकी गलती नहीं है, उनकी नादानी की वजह से वो ऐसा समझ रहे हैं। रुकावटें तो आएगी ना, सच्चा व्यक्ति है तो उसके जीवन में रुकावटें आएगी, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होगी। टाइम देना पड़ेगा, हम बच्चे के लिए भी टाइम देते हैं, उसको पालते पोसते बड़ा करते, तो ये हमको टाइम देना पड़ेगा। बाकी हम सोचे कि ये नोट लेके आए हैं 1 रुपए का, वहाँ पे लिखा है 50 लाख में बिक जाएगा तो बेचो, हम बोले ये 50 लाख में नहीं बिकेगा, बोले ये तो फ्रॉड है, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी नादानी है, आपकी कम समझ की वजह से ऐसा होता है। तो अपनी समझ का दायरा आप बढ़ाएंगे, सभी लोगों को खूब आनंद आएगा। सैकड़ों लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, उन्होंने ध्यान से देखा, समझा, आगे बढ़े। हाँ, तो आपका परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम है नूरजा, मैं जमुना बिहार से आई हूँ जी। आपका ये कलेक्शन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और इसी वजह से जो कुछ कॉइन मेरे पास रखे थे सोचा आपसे मिलकर जी इन्हें दिखाती हूँ जी। तो ये अच्छे नोट हैं, लेकिन आप इन सबको सीधे करके रखिए, और इसमें अगर एस जगन्नाथन होता उसके पैसे हमको अच्छे मिलते हैं। ये वाला कॉमन नोट है, ये लाइन वाइन लगी होती है ना, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, पर हाँ वैल्यूबल होते हैं। इन सबको आप इकट्ठे करिए जी, कलेक्शन में करिए, एल्बम में डालिए। और ये जो सिक्के हैं ये सब फोटो अलग अलग, एक एक सिक्का होना चाहिए आपके पास। अच्छा, तो सारे फोटो अलग अलग करके अंदर फोल्डर मिल रहे हैं जी, आप वो फोल्डर ले लीजिए और इनको करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अच्छा कलेक्शन है आपका। पर अभी आप इसको ऐसा मत सोचना कि ये 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 में बिक जाएंगे, ठीक है। ये वाला सिक्का जो है, देखो आपको थोड़ी समझ डेवलप करनी है ना, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी वाला सिक्का। किसी से भी पूछना इंदिरा गांधी का सिक्का है, बोलेगा है कितने का दोगे, 50 रुपये का। तो अगर वो 50 रुपये का नया सिक्का दे रहा है तो ये कितने में कीमत होना चाहिए, आप बताओ। इसकी तो बताओ नॉलेज नहीं, नहीं, पर अगर 50 में नया मिल रहा है तो पुराना कितने का होना चाहिए, आधे में हो जाएगा, आधे में हो जाएगा, 25-20 रुपये कीमत है इसकी। रमेश कुमार भाटिया। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए? हाँ जी। क्यों आए हैं सर फरीदाबाद से? आपकी वीडियो देख देख के इतना इकट्ठा कर लिया आपने, अभी तो बहुत है उसमें। अच्छा, आप भी साथ में हैं? बेटा हमारा ही है जी, ऐसे ही रखे हैं, अभी तो हमने लगाया ही नहीं, हमारे को टाइम नहीं मिला, ये पुराने हमारे पास बहुत सारे। तो ये जो इधर गांधी है, इसमें गांधी है, किसी में अगर अशोक स्तंभ है तो उनको अलग अलग करो पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर की साइन रहती है, ये गवर्नर की साइन अलग अलग करो, फिर उसका एक एक बंच बनाओ कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, फिर इनमें समझो आप कौन से अवेलेबल होते हैं कौन से नहीं होते। मैंने वीडियो में बताया है इसका, एक नोट जो होता है ना ट्रैक्टर वाला, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 300 से 400 रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 300 से 400 रुपये होती है ट्रैक्टर वाले एक नोट की हाईएस्ट वैल्यू, वो भी इनसेट प्रीफिक्स और गवर्नर के लिए, जैसे अमिताभ घोष है वो महंगा होता है, मैंने बताया है। एक एक के सिक्के और भी हैं, ये बड़े वाले हैं? ये बड़े वाले सिक्के सर 20-25 रुपये कीमत रखते हैं। अच्छा, वो दूसरे दो और वाले। ये वाला अगर 96 का होगा तो इसकी कीमत है 5,000 से 7,000 रुपये। है उसमें 96 वाले, 96 का है होगा, देखो ये 96 का सिक्का वहाँ दे दो और 5,000 रुपये ले लो। ज्यादा नॉलेज नहीं, आप आराम से बैठ जाइएगा। नोट मोड़ के मत रखा कर भाई, क्यों लेके आए आप मोड़ के, क्यों मोड़े नोट आपने? मोड़ने नहीं है बिल्कुल। अब देखो ये नया नोट है, अच्छा नोट है, इसकी वैल्यू थी 15 रुपए, ठीक है, आपने इसको मोड़ दिया तो ये हो गया 5 रुपए का, 10 रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ ऐसा करने पे। दोस्तों आप एग्जीबिशन में आते हैं तो जैसे ये नया नोट है, आज 1 रुपए के नोट की वैल्यू 15 रुपए हो चुकी है, ठीक है। और ये मैं जो आप सब लोगों को नोट दे रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं ये नोट ऑटोग्राफ दे रहा हूँ,
इसमें ओरिजिनल करेंसी नोट है, साथ में इसमें मैंने कुछ रेयर करेंसी नोट भी डाले हैं। यदि आप बहुत गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने ऐसा एक एक नोट भी डाला है जिसकी कीमत 2-2 हज़ार रुपये है। आपके पास जो कलेक्शन में है या मेरे से आप पहले ऑटोग्राफ करा के ले गए हैं, आप उनके नंबरों पे गौर करिए, आप उनके सिग्नेचर पे गौर करिए, आप उसके ईयर पे गौर करिए। मैंने कई वैल्यूएबल नोट ऐसे ही बिना देखे दिए हैं आप लोगों को, ताकि आपका कलेक्शन इम्प्रूव हो। बस आपको ज़रूरत है आपकी आँखें खोलने। ये पकड़िए पहले आप, थैंक यू। तो इस तरीके से नोट कभी नहीं मोड़ना। जैसे 5 रुपए के नोट आप लाते हैं, तो ये 5 रुपए का अशोक एम्बलम वाला है और ये गांधी जी वाला है, दोनों के पीछे ट्रैक्टर होता है, ठीक है। तो जो अशोक एम्बलम वाला नोट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, गांधी जी वाले की कम होती है। इनको आप अलग रखिए, इनको अलग रखिए। जब आप इसे धीरे धीरे करके अलग अलग करना सीख जाएंगे, तो आप कोयले में से हीरे खोज पाएंगे। कंकर पत्थर नीचे ज़मीन पे बिखरे रहते हैं, लेकिन उन कंकर पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो माणिक होते हैं। तो जब आपकी नज़र वैसी हो जाएगी कि आप कंकर पत्थर में से माणिक ढूंढना सीख जाएंगे, तो ये जो कलेक्शन है ये आपकी लाइफ बदल देगा। सर ये सब अच्छे हैं, बस आप इनको अलग अलग छांट करिए। और अगर आप कहो कि मैं सलाह दूं, तो आप इसको मत बेचो। ये मैं समझता हूं कि 5 हज़ार रुपए क्रॉस कर जाएगा। बेचने ही नहीं सर मुझे। 35 लाख 40 लाख आप लाए हो सारे सिक्के? सिक्के लाए मैं, वैसे कुछ है मेरे पास, ये 786 के नोट है। यदि किसी का सिक्का कोई केमिकल डालने से अगर ओरिजिनल चांदी का सिक्का इतना बेकार हो जाए कि वो समझ में ही नहीं आए, तो एक और कलाकारी कर सकते हैं आप। बारीक सी बिल्कुल महीन सी पॉलीथीन टाइप की होती है रेपिंग, उस रेपिंग से आप कोई भी नोट की गड्डी कर सकते हो। तेजस फुल के। तेजस फुल के? फुल के नहीं, फिर उई के। फुल के, मेरे को भूख लगी तो मेरे को फुल के सुनाई दे रहा है। तो आप इसको मत बेचो। ये मैं समझता हूँ कि 5 हज़ार रुपए क्रॉस कर जाएगा। बेचने ही नहीं सर मुझे, तो सिर्फ इनके लिए कलेक्शन करके रख रहा हूँ सर, बेचने का तो कोई। और ये एक और 50 पैसे का सिक्का आया है कंप्रेशर वाला, इसका नाम रख देते हैं कंप्रेशर कॉइन। तो इसमें जो आपको एक तरफ का शेप दिखेगा ना, वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि कंप्रेशर का जो पाइप है वो छप जाता है इस पे। सिक्के कभी 5 रुपए के, कभी 50 पैसे के, कभी 1 रुपए के, कभी 2 रुपए के आएंगे, क्योंकि किसी कंप्रेशर की साइज पाइप की मोटी होती है, किसी की पतली होती है। आप में से कोई है जो कंप्रेशर के बारे में जानता है, एयर कंप्रेशर के बारे में? उसमें ये वाइसर लगता है, उसकी जगह पे ये सिक्का लगाया जाता है, मतलब लगा देते हैं आजकल के कारीगर। जैसे पहले वो होल वाले जो सिक्के हुआ करते थे, जब बीच में उनकी वैल्यू एकदम कम हो गई, चलना बंद हो गए, तो वाइसर की जगह उसको यूज़ करते थे लोग। जो गाड़ी वाड़ी में नट बोल्ट कसना है तो वो सिक्का लगाते थे और कस देते थे, तो वैसे ये वाइसर लगा देते हैं कंप्रेशर में। तो ये एरर कॉइन नहीं है, मेन मेड एरर बोला जाता है। और एक सर ये आपके वीडियो से मैंने देखा था कि इसमें सन जो है एरर आता है। जी हाँ, ये भी कॉमन है, मतलब ये होता रहता है, 100-200 सिक्कों में 2-4 मिल ही जाते हैं। सर मैंने आपकी वीडियो देखकर मैंने इसको मतलब, पर अच्छा है आप करो, आपको मैंने इसका मैसेज भी किया था। देवरिया जिले से कराने वाला हूँ, और आपका डायमंड मेंबर भी हूँ। अरे फाउंडर फाउंडर डायमंड मेंबर है, अभी भी बना हुआ हूँ जी। आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, जानकारी से। नहीं नहीं, आप लोगों के सहयोग से तो हमारा जो चैनल है वो चल रहा है। वो तो ठीक है। में क्या है, जो हमारे डायमंड मेंबर है ना, वो हमें 599 रुपये हर महीने हमें देते हैं, और ये हमारे फाउंडर डायमंड मेंबर है,
मतलब ये लगभग 6 साल से हमें 599 रुपये हर महीने भेजते हैं, और हम इतने मतलब कर्जदार हैं इनके कि हमने जो जो प्रामिस किए थे उसमें से आधे से ज़्यादा प्रामिस हम पूरे नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, उसके बाद में भी इनका प्यार लगातार बना हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप वो बहाने गिनाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है, पर आप इतना विश्वास करें कि हम करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी इतनी बड़ी कोई मजबूरी होगी कि वो जो सेवा हम आपको देना चाहते थे वो हम पूरी नहीं दे पाए। ठीक बात है, फिर भी मैं भरोसे के साथ लगा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऊपर भरोसा है अभी भी। हाँ। और मैं लगा हुआ हूँ आपके साथ, जी, लगा रहूंगा आगे बिल्कुल, भी बिल्कुल। तो देखते हैं किस हद तक हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं द करेंसीपीडिया में, वो आपका जाया नहीं जाएगा। हम उस रकम को पब्लिक के लिए ही खर्च करते हैं, चैनल बनाना, वीडियो बनाना, लाखों रुपए महीने के खर्च होते हैं अगर आप एक अच्छा चैनल रन कर रहे हैं तो। लाखों रुपए इनकम भी आती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन वो इनकम इतनी बड़ी फिलहाल नहीं है। हाँ। कि हमारे सारे खर्चे निकल जाएं, तो आप लोगों का जो सहयोग होता है उसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपको सर, आपने इतना ज्ञान दिया, आपके ज्ञान की वजह से अभी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करना सीख रहे हैं जी। और मैं अचानक से पता लगा कि आप आ रहे हैं, तो कृति सर से बात हुई, उनसे रेगुलर उनका ग्राहक बन गया हूँ आपके रिकमेंडेशन से, तो थोड़ा थोड़ा उनसे बात होती रहती है। हार्दिक जी से भी एक बार मिला था। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बीबी पर फोटो हमें दे दीजिए।